इस वीडियो के नीचे दिए गए हैं जो हाउ टू फिल ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है ना, इसके नीचे ये मैंने ये भी दे दिया है, यहाँ पर क्लिक करो। ये मेन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप यहाँ से पढ़ो कि आपकी प्रॉब्लम कौन सी है, वो वाली वीडियो देख लो, है ना। नीचे एडिशनल के भी दिए गए हैं, एडिशनल के भी साथ में दिए गए हैं। रिलीजियस स्टडी ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ जाएगी, कोई बात नहीं। फीस, लेट फीस, ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर वगैरह, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के भी दिए हुए हैं। वापस चले यहाँ पर। नेक्स्ट है, हेलो सर, क्या वी सिलेक्ट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ फॉर चॉइस फिलिंग? यस, ये वीडियो बनी नहीं, मेरे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। आप फॉर एग्जांपल जी एन डी यू पहले सिलेक्ट करते हो, ये गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ सेलेक्ट कर लिया, और सब्जेक्ट जो भी था एसएसटी मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया। दूसरी आपने पंजाबी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, और यहाँ पर स्टेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, और एसएसटी यहाँ सेलेक्ट कर लिया, और तीसरा मान लीजिए पंजाब पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का ही फरीदकोट का कॉलेज है ना, जो फिरोजपुर फरीदकोट है ना, वो वाला सेलेक्ट कर लिया। चौथा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, उसका कोई नहीं है। तो ये आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने एग्जांपल सिर्फ दी है। यू आर टोटली फ्री, कुछ भी चूज करो। हेलो सर, कैमरे, हाँ जी हो गया। सर मैथ एंड इकोनॉमिक्स दी भी प्रेफरेंस दस दो। सर मैथ ते प्रेफरेंस दस दो, मैनू क्वेश्चन नहीं समझ आया कि पूछ रहे हैं कि मैथ ते इकोनॉमिक्स दी प्रेफरेंस बना के वीडियो बनावा। ओके, होम साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, सर कॉम्बिनेशन सुजेस्ट कर दो। अब ये डिफिकल्ट है, इंग्लिश नहीं छोड़ना हर हालत में, माइनर सब्जेक्ट है, माइनर है, और टीजीटी के लिए अलग, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो, कोई भी एडिशनल आपको देना नहीं पड़ेगा। ये हो गया, नहीं देना पड़ेगा इसको, ये बेस्ट है आपका, नहीं छोड़ना, बेशक माइनर है, ये मेजर उसके इक्वल है। अब आपने ये देखना है कि आप टीजीटी के लिए जाना चाहते हो सीधा, तो आप होम साइंस पर फिल करोगे। ओके, अगर पीजीटी एमए हिस्ट्री करनी है, एमए हिस्ट्री करके आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो आप हिस्ट्री आपका मेजर बनेगा, ये मेजर, तो आपका कॉम्बिनेशन हो गया हिस्ट्री एंड लिटरेचर, और ये हो गया होम साइंस एंड इंग्लिश लिटरेचर, है ना, इंग्लिश हिस्ट्री एंड इंग्लिश और होम साइंस इंग्लिश। लेकिन अगर आप, ये तो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का, अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो, तो हिस्ट्री के साथ आप एसएसटी भी ले सकते हो, लेकिन आपको एडिशनल पेपर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का इजी दे सकते हो, उसके बाद आप एलिजिबल होगे। फिर आप अगर पंजाब यूनिवर्सिटी या पटियाला यूनिवर्सिटी में हो, हिस्ट्री के साथ आप एसएसटी मेजर ले सकते हो, इसको नहीं छोड़ना, इंग्लिश को नहीं छोड़ना। तो आपके कितने कॉम्बिनेशन बने, अगर इस दो यूनिवर्सिटी उसमें हो तो एसएससी के साथ ये ले लो, बेटर है। अगर गुरु नानक में हो तो आपको हिस्ट्री के साथ इंग्लिश या होम साइंस के साथ इंग्लिश यही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सर आई हैव लिटिल क्वेश्चन अबाउट द कैरियर ऑफ फर्दर नाउ। मुझे ना थोड़ी गल समझ नहीं आई, तुसी एंट्रेंस टेस्ट दे चुके, बट अगे क्लियर की करना है, अगे एंट्रेंस टेस्ट दे, तुसी चॉइस फिल करनी है, तुहानू सीट एलोकेट हो जानी है, फिर तुसी उस कॉलेज विच जे सैटिस्फाई हो तो फीस जमा करा देनी है, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होनी है। काइंडली प्रोवाइड वीडियो ऑन कॉलेज फीस, फीस विच बना दिती है वीडियो, अपलोड हो रही होगी, वीडियो आ चुकी है उसकी। नेक्स्ट है साढ़े को, सर इलेक्टिव इंग्लिश ते एसएसटी की भी एग्जांपल दो। हाँ वो बनी नहीं, वीडियो बना देता हूँ वो भी। सर कंप्यूटर फिजिक्स मैथ्स ये गल हो गई है, अलग तो वीडियो होनी पाई है वक्रे तौर पर, है ना। इससे दे नीचे यदा लिंक होएगा, उसनों क्लिक करो तो देख लो। सर प्लीज़ गाइड मी टीजीटी पोस्ट के लिए एसएसटी के साथ इंटरेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में है, बट ग्रेजुएशन इलेक्टिव हिंदी में है, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ ये गाइडेंस यहाँ चाहिए। देखिए आप टीजीटी के लिए आपका एसएसटी बन गया, ये क्लियर है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट अब मत देखो, क्यों, कारण ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट चलो पक्का हो गया, इसको प्रेफर कर लेते हैं, इसको छोड़ दिया पहले, है ना, हिंदी का, तो एक तरफ हो जाओ। एडिशनल इन इंग्लिश का दे पाओगे इस बार, 2 साल हैं आपके, ये बीएड शुरू हुई, 1 साल गया, दूसरा साल हो गया, यहाँ आप अभी
कल परसों तो 2-3 दिन में फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म फिल करके देखो, अगर आपका क्लैश कर जाता है तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी नहीं है, अगर नहीं करता तो फिर बल्ले बल्ले है, तो फिर यहाँ आपकी इंग्लिश होगी, आपका इंटरेस्ट भी रह गया, अगर यहाँ नहीं होता है ना तो फिर आप इस साल में कर लेना, यहाँ पर बीएड के एंड में आप इंग्लिश कर सकते हो अगर इंटरेस्ट है, तो इसको सामने रखो कि यार मैंने ये करना ही करना है। दूसरी बात, टीईटी को भी सामने रखना है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, सिलेक्शन टेस्ट को सामने रखो, अपना जो इंटरेस्ट है इसमें पुट कर सकते हो। मैं हिंदी में जो है 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन इंग्लिश है तो मेरा 15-20 घंटे पढ़ लूंगा, अगर ऐसी बात है तो एसएसटी इंग्लिश ही लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आप बीएड करने के बाद बीएड का एडिशनल टीचिंग ऑफ इन हिंदी ये कर लेना, आपके पास तीनों हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा हेजिटेशन यहाँ चिंता हो रही है तो उल्टा कर सकते हो कि एसएसटी के साथ हिंदी का कर लिया और बीएड के बाद ही जो एडिशनल पेपर इंग्लिश का होगा, इसलिए ये वे आपके लिए बेटर है, ये वाला बेटर है, यहाँ पर आपका टाइम बच रहा है क्योंकि आप बीएड के साथ ही एडिशनल इंग्लिश का दे रहे हो, गुड, ये बेटर है। सर व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ दिस फॉर्म? फॉर्म तो नहीं है कुछ, 19 तारीख तक, 18 तक फॉर्म प्रेफरेंस फिल होनी है, चॉइस प्रेफरेंस ना, ये इसको ऐसे करना है, ये कैसे हो जाता है, ऐसे करना है थोड़ा सा, चलो हो गया। सर मैं BCA की हुई है, प्लीज़ सुजेस्ट मे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसी वीडियो के नीचे BCA का अभी से वीडियो बनाया है, वो देख लीजिए, कंप्लीट कंप्यूटर इंग्लिश सोचा है, अच्छा सोचा है, अच्छा सोचा है, इसी को रखना। तो उस वीडियो में भी मैं जो यही सुजेस्ट करूंगा, लेकिन वो वीडियो देख लो, मैंने सारे जो है प्रॉस्पेक्ट्स की इंफॉर्मेशन जो सारी डिटेल में थोड़ा हो जाता हूं मैं, जैसे फैल जाता हूं जल्दी। सर मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर बनना चाहती हूं बट मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की हुई, तो मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए प्लीज़? अगर आपको जल्दी नहीं है तो है ना, तो आप फिज़िकल केमिस्ट्री के बनना चाहते हो, फिज़िकल साइंस लोगे? देखो अगर आप सारे सब्जेक्ट बताते तो अगर आपने बायो और केमिस्ट्री फिज़िक्स ये पढ़े हुए हैं तो आप साइंस और फिज़िकल साइंस ले लो, TGT के लिए भी एलिजिबल हो गए ये रहे, और PGT आप 2 साल होंगे उसके साथ ही आप फिज़िकल साइंस के कर लो तो PGT के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। अब मुझे ये बताए नहीं है, दैट इज़ वाई हम मैं बता नहीं सकता। तो अगर आपका इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट को मत छेड़ो, तो ये सोच लेना कि जब सिलेक्शन टेस्ट होगा तो इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप अच्छे से मेहनत करके इस सिलेक्शन टेस्ट को पास करोगे, मतलब टाइम ज़्यादा उसको दे पाओगे, दैट इज़ वाई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोगे तो फुल मैं गाइड कर दूंगा। सर BH ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स फिजिकल एजुकेशन है, येस थोड़ा सिंपल है, SST बन गया, मेजर सब्जेक्ट TGT लिए एलिजिबल हो, कोई एडिशनल नहीं करना पड़ना, गवर्नमेंट जॉब ली है, और फिजिकल एजुकेशन भी इसी तरह TGT लिए एलिजिबल है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह वगैरह ली है ना। लेकिन जे तुसी मतलब इहदे विच पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट घट होंदियां हां जां नहीं होंदियां, ये क्वेश्चन मार्क है, इस दी जगह फिर तो असी इंग्लिश जां पंजाबी लेंदे हो, पंजाबी लैके दियां पोस्टां बहुत होंदियां हन, तो तुसी की है कि इसका एडिशनल पेपर देना है वो बीएड करदे सार सार नाल ही दे सकदे हो, ठीक। नेक्स्ट है साढ़े को, सर BSc मेडिकल ते MSc केमिस्ट्री, हाँ मेरा सही कॉम्बीनेशन दस दो, मेजर ते माइनर सब्जेक्ट। BSc मेडिकल, तुसी है मेडिकल मीन बायो, बायो पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, सर बहुत अच्छा बन रहा ताड़ा, MSc केमिस्ट्री पढ़ी है ना, इतों नहीं हिलना तुसी, जो मैं कह रहा तुसी लेना है ये बेस से बायो ते फिजिक्स के बेस से या ये दोवां दे बेस से तुहाडा बन गया साइंस, ये बन गया तुहाडा साइंस, ओके, नाल लो फिजिकल साइंस, यही नहीं छड़ना, बेस्ट कॉम्बीनेशन है, कोई कुछ भी होवे कॉलेज छड़ दो, दूर जाना पै जाए लेकिन ये नहीं छड़ना। हुण तुसी साइंस मेजर सब्जेक्ट लिया, माइनर ए ले लिया, साइंस लैके तुसी TGT ली, गवर्नमेंट जॉब ली विदाउट एडिशनल सब्जेक्ट, क्लीयर हो गया या पास हो। दूसरा फिजिकल साइंस तुहानू कुछ भी नहीं करना पएगा, MSc केमिस्ट्री कीती है और तुसी फिजिकल साइंस ले लेंदे हो तो PGT ली फिजिकल साइंस ली सीधे एलिजिबल बनते हो, बेस्ट कॉम्बीनेशन, नहीं छड़ना, बार बार कह रहे हैं हाँ।
हैलो सर, ओपन बीएड विच करनी होवे तां राजे ओपन मैनेजमेंट कोटा ही है तुहाडे लई, वक्खरे तो वीडियो कढ़िया है। मैनेजमेंट कोटे च पैसे ज़्यादा लगते हैं, कोर्ट केस शायद किया होया ना फैडरेशन ने, जे उसका फैसला आता है तो फिर ओपन हो भी जाएगी। हुण ओपन लई तुसीं किहड़ा शब्द वरत्या है मैनू पता नहीं है, मैं तो ओपन का मतलब ये लिया है कि बीएड कॉलेज सीधी फीस आके लै सकते हैं, सॉरी बीएड वाले सीधी एडमिशन कर सकते हैं, तुसी उत्थे जाके एडमिशन लै लेंगे हो। ठीक सर, क्या पीजीटी के लिए टीईटी पास होना आपके लिए, इसी के नीचे वो दे दूंगा जहाँ अभी वीडियो निकाला है आप जी, मनप्रीत सिंह जी, वेरी गुड क्वेश्चन, शाबाश। तो वो अब मैं वीडियो बना दिया उस पर अलग से। सर एडिशनल एग्जाम बारे डिटेल विच, हाँ मैं वो बिल्कुल बना दांगा सर। जिमें मैं बीएससी नॉन मेडिकल विच कंप्यूटर की है तो हूँ मैं मैथ्स लैंग्वेज लैनी सोच रहा हाँ, तो मैनू एडिशनल पेपर कदों देना पेगा? एडिशनल पेपर हूँ ही 3-4-5 दिन के डेट आ रही हर यूनिवर्सिटी दियाँ, तुसी फॉर्म भर सकते हो है ना बीएड तो पहला, बीएड तो हाँ ये मैं दस चुका हाँ, गुड क्वेश्चन है, वक्रे तौर पर भी दसिया है, तुसी पहला भी भर सकते हो, ज्यूरिंग भी बाद भी है ना। नैक्सट है मनजिंदर बरार जी के, सर प्लीज़ टैल अबाउट रूरल एरिया सर्टिफिकेट कदों सबमिट कराना है? कुछ कितने सबमिट नहीं कराना, जो तो चॉइस फिलिंग तो बाद 19-20 एलोकेशन हो जानी है कॉलेज की, वो कॉलेज में जाना है, उत्थे तुहाडा रूरल एरिया सर्टिफिकेट चैक होना है, उदो चाहिदा होएगा। ठीक है, जे प्राइवेट कॉलेज है कई बार वो देखते भी नहीं है, पॉसीबिलिटी है। थैंक यू सर। सर साइंस ते लाइफ साइंस का कॉम्बीनेशन नहीं मिल रहा पंजाबी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, डोंट, मैं तो कहना कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, प्रैफर करो जेडे, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बीनेशन है जे तुसी मेडिकल की हुई है ना, तो मेरे ख्याल ना फिर तुसी होर सर्च करो। मिलता क्यों नहीं है, मेरे कॉलेज में है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, सैक्रड हार्ट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फोन नंबर दिता है, फोन करके पता करो, मैं ना उतो यूट्यूब तो चैक तो वैबसाइट तो चैक कर लो, सैक्रड हार्ट कॉलेज ऑफ एजुकेशन बरनाला का। सर अगर वन सब्जेक्ट पोलिटिकल एडिशनल देना हो तो चॉइस फिलिंग में SST फिल करा क्या? हाँ देखो, जे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, फिर सीधा तुम SST फिल करो। जे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है, फिर SST फिल नहीं करना, फिर नहीं मिलेगा, कॉलेज वेरीफिकेशन नहीं जाओगे, उत्थे गड़बड़ होएगी, पॉलिटिकल साइंस ही फिर फिल करना है। सर मैंने पहला भी कमेंट किया सी, सॉरी सर, मैंने BSc इकोनॉमिक्स की हुई है, गुरु नानक देव इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस और क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब चाहते क्या हो, MA इकोनॉमिक्स भी डन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, गुड, इकोनॉमिक्स की हुई है तो फिर आप इकोनॉमिक्स क्यों नहीं ले लेते, PGT के लिए एलिजिबल हो जाओगे, PGT के लिए कंप्लीट करना चाहते हो। अगर आप GNDU में कहाँ करनी है, GNDU में करनी है तो इकोनॉमिक्स ही ले मिलेगा, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जाना है तो आपको इसके बेस पर SST मिल जाएगा, फिर आपको एडिशनल जो है BA का एडिशनल हिस्ट्री का देना पड़ेगा, तो वो साथ साथ में भी दे सकते हो, ये आपका इसका मेन बनता है, MA इकोनॉमिक्स ही है, इसका फ़ायदा हो सकता है। दूसरा आपने क्वांटिटेटिव टेक्निक की है तो ये इसके मैथ कई बार दे देते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं है, कारण ये है कि जब गवर्नमेंट जॉब आएगी तो मैथ्स आपको इलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा 3 साल का BA का, तो एक बार मैं देख दूंगा जो नई जॉब्स आई हैं एनालाइज पिछली हुई की हैं उनमें से ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को मैथ्स के इक्वलम मानते हैं, अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि इक्वलेंट टू मैथमेटिक्स है तो ये चलेगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज आपका यही कॉम्बिनेशन बेस्ट है, SST लैंग्वेज, इसके साथ लैंग्वेज ही मिलेगी, इसके साथ कंप्यूटर नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक्स के साथ देखो कंप्यूटर मिलता है, मेरे ख्याल नहीं मिलेगा, लैंग्वेज ही फिर लेना पड़ेगा है ना। तो ये अलग वीडियो में भी मैंने बताया है एक पिछली में कि वो मिलता है नहीं मिलता। अच्छा सर, मेरा कोल BA विच इलेक्टिव इंग्लिश इकोनॉमिक्स फिजिकल एजुकेशन है, तो यूनिवर्सिटी केड़ी विच कॉम्बिनेशन लेना चाहती हूँ, SST इंग्लिश और इकोनॉमिक्स या इंग्लिश, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ कॉम्बिनेशन लेना चाहती हूँ SST, यूनिवर्सिटी अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है जहाँ चंडीगढ़ है तो तुम इकोनॉमिक्स के बेस पर SST ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो तो इकोनॉमिक्स ही मेजर सब्जेक्ट मिलेगा। दूसरा ये नाल SST दे नाल फिजिकल एजुकेशन अवेलेबल है, दोनों ही ले सकते हो, तुसी की लेना चाहते हो SST दे नाल इंग्लिश, तो इंग्लिश भी ले सकते हो, SST दे नाल इंग्लिश भी ले सकते हो,
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੋਰੀ 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 ਵੈਰੀ ਸੋਰੀ ਵੈਰੀ ਸੋਰੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਰਾਜੇ ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਦੂਸਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਚੋਇਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੱਖਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਇਸ ਫਿੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਕਾਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਅ ਕਾਲਜ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪਰ ਆਪਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਕੇ ਕੌਣ ਸੇ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾਏ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਬੀ ਏ 'ਚ ਹੁਣ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ ਹੀ ਦੱਸੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਚ ਹੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੀ ਮੇਜਰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਈਨਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਈਨਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਹੈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਲਜ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਬੀ ਐਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ 2023@.com ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀ ਐਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨ 2023@rateofgndu.ac.in ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਰ ਬੀ ਐਡ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਦੀ ਹੈ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਥ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੀ ਸੀ ਏ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਹੈ 3-4-5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਈਡ ਮੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਬੋਟਨੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਾ ਮੇਜਰ ਔਰ ਮਾਈਨਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣੇਗਾ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਬੋਟਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਦਿਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਕਾ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਬੋਟਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਕਾ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਅਗਰ ਬੋਟਨੀ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਸਾਇੰਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਓਕੇ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹ ਬੀ ਏ ਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਤਾਓ ਬੀ ਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਕਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਡ ਕੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਾਲਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਔਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਏਡਿਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰ ਕੌਣ ਸਾ ਡੇਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ 18 ਤਰੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਇਸਕੀ ਜੋ ਸਰ ਕਾਲਜ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 18 ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਐੱਮ ਜੀ ਐੱਨ ਕਪੂਰਥਲਾ 104 ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਬੀ ਐੱਡ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਐੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਬੀ ਕੌਮ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮ ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਪੀ ਜੀ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਇੰਨੇ ਹੋਏ
ये क्यों स्पीकर जो बनाए हैं मेरे नेशनल ओनली सर बीकॉम वाले कॉमर्स लैंग्वेज तो बाद एम कॉम करन फिर पीजी। देखो एम कॉम करनी ही पैनी है, एम कॉम 100%। तुहाडे ते वीडियो बनाता इसका लिंक नीचे भी होएगा जा देख लेना तुसी, फिल करके एम कॉम डॉक्टर तीरथ सिंह लर्न टू एक्चुअलाइज। सो ये करनी पड़ेगी जे लैंगुएज का करते हो, लैंगुएज दे पीजीटी बनना है, इंग्लिश मान लो की है उसकी भी एम ए इंग्लिश करनी पड़ेगी पीजीटी ली है ना, ते लेकिन जे टीजीटी ली रहना है फिर एम ए इंग्लिश नहीं करनी पड़ेगी। ये तो आंसर है ठीक है। सॉरी मैं माफ़ी मंगता हाँ क्योंकि वो किन्ना किन्ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ने, कल कल क्वेश्चन की कोशिश कर रहे हाँ जवाब दूँ। सर जी कॉलेज ते सब्जेक्ट फिल करन तो बाद सानू किदा पता लगेगा जी कॉलेज मिल गया कि नहीं? वो तुहानू सीट एलोकेशन होएगी 19 तरीक नू, 19 दे 20 दे करीब आएगी, उहदे विच तुहानू रिजल्ट आ जाएगा और मैरिट दे विच तुहाडा नाम आ जाएगा, कॉलेज का नाम आ जाएगा, एक स्लिप जनरेट होएगी जिहदे विच कॉलेज ते तुहाडा मेजर सब्जेक्ट जिहड़ा होएगा वह मिल जाएगा, इस तरह तुहानू पता लगेगा। सो इस दे वीडियो इत्थे ही, सो इस वीडियो दे क्वेश्चन इत्थे ही खत्म होंदे हन। थैंक यू।